हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है हमारा आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मैं सितंबर मंथ में एमसीए स्टूडेंट को क्या पढ़ना है वो बताना चाहूंगा। अब तीन अलग अलग तरह के डिस्कशंस मुझे करने हैं और जो आपने डाउट भेजे हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। नंबर वन, कि ओल्ड बैच में क्या हो रहा है आपने पूछा है, न्यू में क्या हो रहा है, और जो नए नए जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हम लोग एक बैच और स्टार्ट करने वाले हैं जो 9 सितंबर को स्टार्ट होगा, जो 2020 एज वेल एज एक और बैच होगा जो 2021 को टारगेट करते हुए होगा। और अगर सितंबर में मैं कोई बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इस बैच का सिलेबस भी टाइम पे होगा। तो आप में से वो सभी लोग, ये मैंने मैसेज लिए पहले दिया कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप में से वो सभी लोग जिन्होंने अभी अभी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एकदम जब कोर्स लेते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें ऑनलाइन कोर्स से। इसीलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आप चाहें तो 1 वीक यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करें। कई सारे बच्चे आए, उनमें से कुछ बच्चों के सेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किए। उसका भी यही पर्पज था कि वो जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक आप ना करें, तो वो समझ के चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, मैं पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एमसीए एज अ करियर ऑप्शन चूज किया है, अभी तक भी प्लान नहीं है, कंफ्यूज है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इस समय एमसीए के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर हम बात करें एनआईटी सूरतकल की, अगर हम बात करें एनआईटी त्रिची की, इलाहाबाद की, कैलीकट की, इवन मैनेट की भी बात करें हम, पहले मैं बताना चाहूंगा जैसे इस समय एनआईटी सूरतकल में नॉर्मली 1 या 2 बच्चे 30 लाख के ऊपर प्लेस होते थे, बट डायरेक्टली पहले बार में ही 5 बच्चे एक साथ प्लेस हुए हैं करीब करीब 35 लाख पे। ऐसे ही इलाहाबाद में बच्चे प्लेस हुए, मैनेट से भी एक बच्चा अभी प्लेस हुआ 28 लाख पे, और एवरेज प्लेसमेंट इन सभी जगह पे लगभग 8 से 10 लाख का है। नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग कि ऐसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट हैं, ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं, और भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो इस बार मैं आप सबको बोलूंगा कि हमें सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं, चाहे हम जिस लेवल पे भी हम अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि एमबीए करें, एमसीए करें, या बैंकिंग या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एमबीए उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो बीई कर रहे हैं, यानी टेक्निकल स्टूडेंट। आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछे। और एक और बात समझिएगा कि अगर हम आज आईआईएम की भी बात करें प्लेसमेंट की, तो हम देखें तो कुछ बच्चों के प्लेसमेंट को छोड़ दें तो एवरेज प्लेसमेंट वहां पर भी 10 से 12 लाख का होता है। यानी इतने अच्छे प्लेसमेंट जब एमसीए में मिल रहे हैं, तो अगर आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो मैं बोलूंगा गो फॉर एमसीए एंट्रेंस, एक अच्छा ऑप्शन है। मैनेजमेंट में जाने का फायदा जब है, मैनेजमेंट का फायदा भी जब मिलता है जब आप बीई के बाद एमबीए में जाएं, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स कम निकलती हैं, और दूसरा कॉम्पिटिशन अलग अलग लेवल पे होता है, क्योंकि बीई के इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हैं। तो आज बैंकिंग में, रेलवे में, इन सब में भी देखें तो आप बीई वाले स्टूडेंट से भी फाइट होती है। ऐसे में एमसीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस सेशन से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां पर इम्पिटस में आज इंडिया भर से हर जगह के बच्चे तो आए, साथ में हर एक जगह के बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि अवेयरनेस कितना बढ़ रहा है। लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल निमसेट लगभग डबल लोगों ने दिया, ये अवेयरनेस का ही निशानी है। और बच्चे धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो एक अच्छा एग्जाम है। और नॉट ओनली कि निमसेट ही आपको फोकस करना है, निमसेट के अलावा आप डीयू दे सकते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इसी के थ्रू हो जाएगा, वीआईटी जेएनयू दे सकते हैं, या बीएचयू दे सकते हैं, इवन वीआईटी दे सकते हैं, और इंद्रप्रस्थ के भी कुछ कॉलेज निमसेट से जुड़े हुए, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप एक अच्छी पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अच्छी एक रैंक ला पाए। अब आपके पास प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं, एक आप घर पे बैठ के ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा कि आप क्लासरूम में आके कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 9 सितंबर से जो बैच हो रहा है। अब मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, आपने जो जो क्वेश्चन भेजे थे, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, उन्हीं के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने बात नहीं भी किया, जिन्होंने ऑफिस में बात की थी, आपने जो जो डाउट भेजे हैं वो सब बताना चाहूंगा। नंबर वन थिंग कि प्रिपरेशंस कैसे करें, तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी, एक पिछला सेशन भी डाला था कि पुराने बैच में जो 10 टॉपिक हुए हैं वो न्यू बैच में 10 टॉपिक होंगे, और फिर जो 9 सितंबर को होगा उसमें फिर होंगे। यानी कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं। अच्छी बात यह होती कि जब आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास सारी चीजें हैं, बस पढ़ने के तरीके को पहले याद रखिए, पहला फाउंडेशन करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग टॉपिक हमेशा आपको रखना चाहिए लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी सेट, देन सेट के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन इसके अलावा नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट, क्लॉक,
कैलेंडर, ये जो टॉपिक्स हैं आप पहले इनको हमने कवर किया है और हर बैच में हम इसी को पहले कवर कर रहे हैं। तो जो लोग नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में यही पढ़ें। दूसरी बात, जो ऑनलाइन वाले बच्चे जब यहां पर आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो मुझे एक चीज समझ में आई कि वो क्या क्या मिस्टेक करते थे। अगर आप में से कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो इमीडिएटली इस मिस्टेक को दूर करनी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे वन वीक के लिए यहां ऑनलाइन वाले आते हैं। इनफैक्ट आप भी जुड़े हैं और आपका मन है तो आप बिल्कुल वन वीक के लिए कभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए क्या क्या मिस्टेक होती है। एक बच्चे ने बताया मुझे, बच्चों ने बताया जो, कि सर हम पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर बुक सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा वीडियो देखते हैं डायरेक्ट गाइड सॉल्व करते हैं। तीसरा, कुछ बच्चे जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं बनते हैं, अटक जाते हैं, फिर वो बेसिक क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। तीसरा, जो बेसिक में डाउट आते हैं उनको कैसे दूर करें, ये इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई। तो अब मैं आपको एक टॉपिक से बताना चाहूंगा कि पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए। आपने मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, राइट? कि आपने सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक टॉपिक से आप पूरी चीज समझ जाएंगे और जो जो आपने डाउट भेजे हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। अब नंबर वन, पहला आपको अपना असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपका मैथ्स का लेवल क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो 11, 12 की मैथ से टच में नहीं होते। तो मुझसे ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है क्या करें। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका 11, 12 में मैथ्स नहीं होता है। ये दोनों कैटेगरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिनका 11, 12 में मैथ्स नहीं है उनको भी नहीं घबराना है। मैंने ऐसे भी बच्चों के सिलेक्शन वीडियो डाले हुए हैं जो यहां पर पढ़े हैं या ऑनलाइन कोर्स से पढ़ के बिना मैथ्स वाले बच्चों ने भी एक टॉप परफॉर्म करके त्रिची जैसे कॉलेज गए हुए हैं। तो मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ना है तो स्टार्ट फ्रॉम 10th बुक। सबसे पहले 10th की बुक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको वीडियो देखने से पहले खुद लगानी है, राइट? पहले खुद लगानी है। अब आपने मान लो 10th की बुक अच्छे से सॉल्व कर ली तो आपका मैथ्स बहुत वीक नहीं है क्वाड्रेटिक, पर अगर 10th की नहीं कर पा रहे तो आपका मैथ्स का लेवल वीक हो सकता है। तो और ये हर टॉपिक के लिए बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे डिपेंड ऑन कि किसको। जैसे प्रोग्रेशन भी 10th की बुक में, बाइनोमियल थ्योरम नहीं है पर बाइनोमियल थ्योरम आप बाद में पढ़ लें, राइट? तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। पीएनसी का बेसिक कंसेप्ट भी, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट भी 10th की बुक में मिलेगा। तो आपको पहले पीछे जाना है। देखिए जैसे इस साल का पेपर टफ आया, तब पेपर की पढ़ाई का तरीका ज्यादा गाइड सॉल्व करना या टफ क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पीछे से करना है। याद रखिए, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतना ही गहरा फाउंडेशन होता है। तो जब पेपर इजी आता था तो थोड़ा सा पढ़ने से काम चल जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। आपने ऊपर ऊपर की पढ़ाई की काम हो गया। अब पेपर इतना टफ आया है क्योंकि मेंस और एडवांस लेवल का के आसपास पेपर आया, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर हमें जितनी ऊंची इमारत बनानी उतना ही फाउंडेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी आप में से अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो फाउंडेशन वाली मिस्टेक कर सकता है, इसलिए पहले आपको असेस करना पड़ेगा। तो आपने 10th की बुक से पहले बिना वीडियो ओपन करे क्वाड्रेटिक खुद से सॉल्व करनी है। अब आपका अगर मैथ्स था तो भी 10th में मैथ्स पढ़ा था, और नहीं था तो भी 10th में मैथ्स पढ़ा था, तो इसका मतलब आप 10th की बुक सेल्व करने की कोशिश करिए, राइट? जितने बने फिर उसके बाद आप वीडियो 1 और 2 को देखिए, उसमें लेवल मैंने 10th वाला ही रखा है। अगर ये बन गया तो ठीक, नहीं तो 1 और 2 देख के फिर इसे सॉल्व करें। देन और याद रखिए कि 1 आवर से 2 आवर के बीच में ही वीडियो देखना, 1 घंटे से कम नहीं, 2 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का वीडियो देख के कम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होना चाहिए। इस 3 घंटे की सेल्फ स्टडी में आपको पहले सब्जेक्टिव बुक करनी है। तो 10th की बुक के बाद आपको 11th की बुक करनी है। अब 11th की आप चाहे तो आरडी शर्मा, चाहे आरएस अग्रवाल, कोई भी ले लें, पर एक बुक आपको करनी है। अब आपने 2 वीडियो देखे 3, फिर आपने बुक सॉल्व करी, फिर 4-5 देखे, फिर करी। अब मान लो इस दौरान आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो क्या किया जाए। यहां पर जब बच्चे आए तो उन्होंने जो जो चीजें मुझे बताई उससे मुझे समझ में आया कि मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूं, क्योंकि वो उनके पूरी चीजों से मुझे एक एक चीज समझ में आई और हो सकता है प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि आपके अभी जो डाउट आ रहे हैं वो बहुत बेसिक है। अब जैसे ही ये डाउट आया आप कई बार उलझ जाते हो, कई बार आधा आधा घंटा खराब कर देते हो, कई बार सोचते हो अरे बन ही नहीं रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। क्योंकि ऑनलाइन कोर्स के साथ एक चीज तो लगती है, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको कोई देख रहा है तो खुद आप ही अपने आप को देख रहे हो, कोई और नहीं देख रहा। तो आपको पहले समझना है कि आप क्या करें।
आप सबसे पहला काम कि बेसिक जो डाउट आए कोई बात नहीं, उनको स्केप करके आगे बढ़ते जाओ, फिर एक एक करके दो दो तीन तीन वीडियो देखते जाओ, पहले सब्जेक्टिव बुक पूरी करो, फिर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक, आप में से कुछ लोग सेल्फ स्कोर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, कुछ कोई और, कोई एक ही करिएगा और पूरी पूरी पहले उसके बेसिक क्वेश्चन करिए। अब उसमें भी कुछ डाउट आए उनको मार्क करते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो डाउट नहीं पूछना, ना मुझसे ना किसी और से, एक एक करके पहले एक बेस, क्योंकि मैंने आपको कोर्स को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया, पहले पूरा फाउंडेशन का आपने क्वाड्रेटिक कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत डिटेल में जब ये कवर किया तो आपके जो अभी डाउट आए थे हो सकता है वो आगे के वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाए, और ऐसा होता है 99% एकदम से नहीं हो, क्योंकि वो सब चीजें मुझे पता है कब कब क्या करना है, तो वो बहुत ही प्लान करके बनाया हुआ है, तो आप धीरे 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 उसके डाउट करते जाएंगे। जब एक बार फाउंडेशन हो जाएगा फिर आपको उसका एडवांस लेवल पे जाना है, यानी मेंस लेवल पे, फिर यही टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए राइट, उसके लिए आप फिर उसी के एडवांस लेवल के दिए, इसी टॉपिक के, एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूं, फिर इसी के प्रीवियस ईयर के निमसेट के दिए। अब जब आप ये पूरा देख लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता, पर ये डाउट तो आपके बिना कुछ करे ही हो जाते हैं। अब आपने अगर स्टार्टिंग में ये डाउट पूछने लगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए जब आप कई बार मुझे डाउट भेजते थे तो मैं ये सोचता था, तो बच्चों से बात करके, कि ये इतना बेसिक डाउट कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन करा है, फिर मैं जब उनसे पूछता था बोले सर वो पूरा कोर्स नहीं, पूरे वीडियो नहीं देखे, इसलिए प्रॉब्लम होती है। जब आप पूरे वीडियोस देख लेंगे देन उसके बाद जितने क्वेश्चन नहीं बने वो भी, और जितने बन गए वो भी दोबारा सॉल्व करें। उससे क्या होता है कि जो बन गए हैं उनके साथ साथ करते करते जो नहीं बने वो भी बन जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल श्योर बोल रहा हूं कि फाउंडेशन के थ्रू ही आपके 90% डाउट खत्म हो जाएंगे, फिर मेंस एडवांस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ 99% डाउट खत्म हो जाएंगे, 1% अगर डाउट बच गया तो वो भेजना है। जब वो नया आता है तो मैं ये समझ जाता हूं कि आपने पूरे सेशन देख लिए, आप आधे सेशन देख के अगर डाउट पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और ये हर टॉपिक के साथ करना है, ये ध्यान रखिए। अब बात आती है कि कितने दिन में करें, जैसे एक बच्चे ने, हमने एक दिन में पूरे वीडियो देख लिए 15-16 घंटे के, फिर हम करने बैठे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। यहां पर भी जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो मिनिमम 1 वीक से 2 वीक, जैसे प्रोबेबिलिटी अभी 3 वीक्स हो गए, वो टाइम लेने वाला टॉपिक है प्रैक्टिस का। अब कोई बच्चा घर पे 3 दिन में करेगा तो उसमें उलझना पक्का है, तो जैसे यहां पर 2-2, 3-3, मैंने इसलिए एक साथ आपको इतने टॉपिक बता दिए होते हैं, अब आप अपने लेवल पे एक साथ कर सकते हैं धीरे 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 करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक समय में 2 भी कर सकते हैं, एक समय में 1 भी कर सकते हैं, क्लास में नॉर्मली हम एक समय में 2 करवाते हैं, एक टॉपिक सुबह पढ़ा दिया शाम को, वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक भी पढ़ेंगे तो चलेगा, आपको ऑर्डर पता है कि क्या होना चाहिए। अभी मैं सितंबर में भी आता हूं क्या पढ़ाऊंगा, तो ये एक चीज याद रखनी है। तो आपको हर एक सेशन को पूरा पूरा कंप्लीट करना है, जब आप सेशन वाइज कंप्लीट कर लेंगे आपके डाउट के चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप क्या क्या पूछ सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, वो सब चीजें आगे कवर होती जाएंगी, पर आप अगर स्टार्टिंग में ही उलझते जाएंगे और वो भेजने लगेंगे तो दिक्कत होती है। तो ये एक चीज का ध्यान रखिए, ऐसा हर टॉपिक के साथ करना है। फिर भी पूरा करने के बाद कुछ परसेंट बच गया उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि सबसे आखिरी में आपको फिर निमसेट के 2008 से लेकर 18 तक के पेपर्स के क्वेश्चंस भी देखने, आप देखेंगे जब आप इतना कर चुके होंगे, मैं श्योर हूं कि अगर निमसेट में अगर या जेएनयू में या बीएचयू में मान लो 2010 से भी ले लें हम, 2010 से 18 तक के अगर मान लो क्वाड्रेटिक के 20 क्वेश्चन आए तो मैं श्योर हूं 15 से ऊपर आप कर लोगे, 16 से ऊपर आप कर लोगे, और जो उनको दोबारा करोगे। बार बार रिपीटेशन से प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है, ये एक चीज समझनी है आपको। जब आप इस ढंग से करेंगे फिर आप जब संडे टेस्ट पेपर्स देते हैं तो जो डाउट्स आपके बचते हैं, कई बार वो पेपर में होते हैं, ये भी एक कॉमन बात है। यहां पर भी बच्चे जब बोलते हैं अरे सर हम ये डाउट पूछने वाले थे पेपर में आ गया, फिर उन पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, जो क्वेश्चन टफ होते हैं, सारे नहीं करता मैं डिस्कस, क्योंकि जो कोर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको बार बार करने का मतलब नहीं, पर जो टफ होते हैं, क्योंकि जो बच्चा यहां पर पूछ रहा है वही आपका भी डाउट हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूं। तो अब उन्हीं टॉपिक्स के बार बार पेपर होंगे, अभी सितंबर से हम लोग फुल लेंथ पेपर कर देंगे, यानी अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिलेंगे, 120, उसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और मैथ्स के भी मिलेंगे, जो टॉपिक्स हो चुके हैं उन सबके भी मिलेंगे, तो धीरे धीरे जो आपके डाउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन बचा रहना कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, आपको रोज कम से कम 1 घंटे का वीडियो 3R की प्रैक्टिस, 1 घंटे का वीडियो 3R की प्रैक्टिस करना चाहिए, और रात को सोने से पहले जितने पेपर अब तक हो चुके हैं उनको देना चाहिए दोबारा,
और 10-10 15-15 मिनट के ड्यूरेशन में बार बार वही चीज जब करते हैं जो आती है, तो जो नहीं आती वो भी आने लगती है। यही एक तरीका होता है। एक अच्छा प्लेयर आप देखो लगातार घंटों प्रैक्टिस करता है मैदान पे, तो अपने आप शॉट आते हैं। वही चीज आपको करनी है। आपको एक डाउट पे रुक नहीं जाना, एक डाउट में एक एक घंटे नहीं उलझना है। नहीं बनता लीव दिस क्वेश्चन आगे, क्योंकि ये आदत अभी डालोगे तो ये आदत पेपर में भी आपको आगे बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि आपको ये आदत है कि जो क्वेश्चन फेवरेबल है पहले वो करना है फिर तब। तो ये एक पैटर्न को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि सितंबर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो सितंबर में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में करीब करीब मुझे लगेंगे 22-30 डेज। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आपको वर्क करना है। अब जो नया स्टूडेंट है उसको भी बता दूं कि आपको पहले तो करंट टॉपिक और फिर जो हो चुके हैं एक एंड पे करंट और एक एंड पे प्रीवियस टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोर्स होता है। तो हम लोग सितंबर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ये आप समझ लीजिए। अगर ये कर लिया तो आप मान के चलिए 50% सिलेबस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में कैलकुलस पे फोकस करेंगे। मैं आगे तक का इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने माइंड को इस ढंग से सेट करिए। अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 सितंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि रोज ऑनलाइन से जुड़ने वाले बच्चे, आप सभी सबको ये बोलना चाहता हूं कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपर पैटर्न से पढ़ाई करेंगे और पूरे पूरे चीजों को कवर करते चलेंगे तो आपके डाउट खुद से सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और यही चीज मैं आपसे चाहता हूं कि आप डेवलप करें। तो जो जो आपने डाउट भेजे थे वो एक चीज है। तो पहले बोल दूं फिर से कि ओल्ड बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये टॉपिक्स हमने कवर किए ओल्ड में। न्यू में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, बाइनोमियल चल रहा है, प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, सेट थ्योरी खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है, क्लॉक एंड कैलेंडर, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी न्यू बैच में बचा हुआ है पूरा पूरा। ओल्ड बैच में प्रोबेबिलिटी खत्म होने वाला, जैसे ही खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे। यानी ये मैंने आपको पूरा इसलिए स्ट्रक्चर बताया कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। पर कोई भी नया स्टूडेंट जुड़े तो पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक, दूसरा टॉपिक प्रोग्रेशन, तीसरा सेट, फिर नंबर सिस्टम, क्लॉक कैलेंडर, ये ही ऑर्डर रखें। और एक एक टॉपिक को कम से कम एक एक वीक पढ़े। पर क्लॉक कैलेंडर छोटे टॉपिक है, नंबर सिस्टम एक वीक में पूरा हो जाएगा तीनों। एक एक टॉपिक को एक एक वीक दें और धीरे धीरे पढ़ें, बेस बुक को कवर करते हुए चलें। ऑब्जेक्टिव गाइड सॉल्व ना हो पाए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेसिक एक बुक आपको पूरी पूरी करनी है। और जब वो करने लगेंगे तो परफॉर्मेंस अपने आप आएगी। दिमाग में कोई निगेटिव थॉट नहीं लाना, एमसी इज अ गुड ऑप्शन, कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटेड। आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि आज की डेट में सबसे अच्छा एक करियर ऑप्शन है। और इसमें एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा ये मैंने आपको अभी से सितंबर के लिए इसलिए बताया कि आपने माइंड को सेट करें ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट 10th की बुक से ही करें। बिल्कुल आप यहां से स्टार्ट करें कि राइट ट्राइंगल में साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, बिल्कुल 90 प्लस थीटा, इतने छोटे छोटे फॉर्मूले से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आने से ही कैलकुलस पे आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स फंक्शन फंक्शन के साथ पढ़ेंगे। इस तरह से आप अपने को पढ़ाई करते हुए चलिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़िए। और ये सेशन मैं हमेशा लेता भी इसलिए हूं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करो सेशन के थ्रू, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है हो सकता है कई बच्चे पूछते नहीं है पर उनके भी यही डाउट हो सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह के सेशन लेता हूं। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।